Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. So, today we are with our Hindi subject, means our MI Hindi subject, and we are ready to go through a new story or a new lesson or a new chapter, that is chapter number 5. In our last class, we discussed about a poem there and भाषा की बात के बारे में भी आपको दिया गया और कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको विलोम शब्द लिखाया था, तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर में उसको, और चाहिए रखिएगा क्योंकि जैसे ही स्कूल खुला तो बस आपका एग्जाम शुरू, तो वक्त नहीं मिलेगा उस समय, तो अपना तैयारी अभी से, सही कि नहीं? यस। तो फिर आज हम इस नए कहानी का से का शुरुआत करते हैं, और इस नए कहानी का नाम जो है वो है अकल बड़ी की भेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि कवि या फिर लेखक जो भी कविता या फिर कहानी लिखते हैं उसके नाम में, उस कहानी का या कविता का नाम होता है, उस नाम में कहीं ना कहीं कोई पूरा संदर्भ होता है उस कहानी का या फिर उस कविता का। इसी तरह इसके नाम पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं। चलिए, कहानी का नाम जो है वो है अकल बड़ी की भैंस। अकल आप सभी को पता है, अकल किसे कहा जाता है? अकल मतलब माने की दिमाग। यस, अकल माने की दिमाग, वेरी गुड। सो अकल बड़ी की भैंस, ठीक है, मतलब अकल बड़ी हो कि भेष का मतलब यह हुआ कि अकल के साथ भेष की तुलना की जा रही है। ये भेष क्या है? भेष एक जानवर है, ठीक है, एक पालतू जानवर है जिसे हम पालते हैं। हम ज्यादातर देखते हैं कि जो ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो किसान लोग होते हैं उन लोगों के घर में भेष मिलता है। वो लोग इसका उपयोग अपने खेतों के कामों में करते हैं। तो भेष एक तरीके का बड़ा सा और दमदार जानवर है, दिखने में आकार भी उसका बड़ा है, उसका सिंह ज्यादा खतरनाक दिखता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सर। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है अकल के साथ भेष का, तो भेष और अकल में क्या कंपैरिजन में ले रहा सी फर्स्ट वन, ठीक है। तो अकल और भेष जो है, यहाँ पर लेखक हमें सही मायने में यह समझाना चाहता है कि अकल जो है मतलब बुद्धि की ताकत, और या फिर बुद्धि की शक्ति जो है, अकल की जो शक्ति है वो भेष से भी बड़ा होता है। भेष देखने में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अगर आप बुद्धिमानी से काम करते हो तो आप बड़े बड़े को पस्त कर दे सकते हो। ये मतलब हुआ इस कहानी का टाइटल का। चलिए कहानी शुरू करते हैं कि सुंदरवन नाम के जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब भी था। तो कहानी शुरू होता है कहाँ से बच्चों? होता है सुंदरवन नाम के एक जंगल से, ठीक है, जहां पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। साथ ही साथ उस तालाब में, लेखक कहते हैं कि उस तालाब में एक बड़ा सा तालाब था। तालाब आप जानते हैं, ठीक है, तालाब एक छोटा मोटा मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाटर सरफेस बॉडी है जो हम लोग छोटे छोटे गाँव ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। हम लोग उसमें कभी कभार आपको ये भी देखने मिलता है कि मछलियाँ छोड़े जाते हैं, और हमारे कुछ अन्य काम के लिए उसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो तालाबों में तालाब जो है जंगलों में, और जंगल के सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने आते थे। तो उस तालाब को जो तालाब है जंगलों पर या फिर जंगल में, जो उस जंगल से उस तालाब से क्या होता है, उस तालाब में जितने भी जानवर थे जंगल के वो सारे पानी पीने के लिए आते थे। क्या पीने के लिए आते थे? यस, पानी पीने के लिए आते थे। तो तालाब के किनारे आम के पेड़ पर एक लंगूर रहता था। उसका नाम चतुर था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी चर्चा सारे जंगल में थी कि वो बहुत चतुर है, इसलिए सब जानवर उसे चतुर के नाम से पुकारते थे। तो उस जंगल में, ठीक है, एक लंगूर रहता था। क्या रहता था? एक लंगूर। लंगूर मतलब बंदर समान कोई जानवर है, ठीक है, तो बंदर जैसा दिखता है वो। तो लंगूर जो है वो उस जंगल में रहता था, और वो लंगूर बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर था,
और अपनी चतुराई के लिए वो लंगूर क्या चतुर नाम से पुकारे जाते थे सभी जानवरों के द्वारा। सभी जानवरों से क्या पुकारते थे बच्चों? यस चतुर। क्या पुकारते थे? मेरे साथ बोलिएगा चतुर। यस तो चतुर पेड़ पर बैठे सभी जानवरों के आते जाते पानी पीते देखता था कि सब जानवर अच्छी तरह नहाते और पानी पीते हैं, लेकिन भैंस सारा दिन पानी में बैठी रहती है। तो चतुर एक्चुअली हर एक रोज उस तालाब के किनारे एक पेड़ है और पेड़ मतलब दूसरा पेड़ पौधा था, तो कहीं ना किसी पेड़ पे वो बैठ कर वो उस सभी जानवर को देखते थे जो जानवर आके उस तालाब पर नहाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग अपना वो अपना नजर रखता था उन सभी जानवर के ऊपर के जानवर जो थे, वो जानवर तालाब पे आकर सही ढंग से नहा रहे हैं कि नहीं। उसने एक दो बार कहा भी तो क्या होता है कि एक दिन भैंस सारा दिन पानी में बैठी रहती है और जब निकलती है तो कीचड़ से लथपथ होती है। इसने एक दो बार कहा भी किंतु भैंसों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। चतुर ने सोचा कि लोग ठीक ही कहते हैं, भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस बैठी उबराए। तो एक दिन क्या होता है, उसने देखा कि जो सभी जानवर आते थे नहा के चले जाते थे, पर एक भैंस जो थे भैंस का जो झुंड था वो आते थे तालाब पे घुसते थे उसके बाद वो निकलते ही नहीं थे। घंटों तक वो तालाब पे रहते थे और जब वो निकलते थे तो उसका जो शरीर पे चली भैंस लोग जो बड़ा कीचड़ उचड़ लेके रहता है तो उसका जो शरीर से जो कीचड़ होता था पूरा तालाब गंदा करता था। तो एक दिन वो जो है चतुर जो है उनको कहते हैं कि मित्र आप लोग ये क्या करते हो, ठीक है? पर भैंसों ने कभी सुना नहीं उसका। तो इसी आधार पर चतुर एक बात कहते हैं भैंसों के ऊपर, भैंस के ऊपर एक बात कहते हैं। वो बात क्या है? वो कहते हैं कि कोई ठीक ही कहता है, किसी ने ठीक कहा है कि भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस बैठी फुकराए। मतलब भैंस के अगर आप बिन भी बजाते हो तो क्या होता है? हाँ बच्चों क्या होता है? भैंस के आगे बिन बजाओ बिन मतलब उसको कोई असर नहीं होता, ठीक है? भैंस के आगे आप बिन बजाते हो लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे समय और बिन क्या है, बिन पता है, बिन वो सफेरे लोग, ठीक है, सफेरे लोग जो होता है वो बिन बजाते हैं मतलब तो सांप पकड़ने वाले। तो जब भी सफेरे लोग अपना बिन बजाते हैं तो सांप भाग जाते हैं क्योंकि उसको डर होता है कि उसको बिन के आहोश में ना आ जाए, और क्योंकि अगर वो आहोश में आ जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं सफेरा उसे पकड़ लेता है। तो पर भैंसों को कोई फिक्र नहीं, भैंसों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसी के ऊपर इस बात को कहा गया है। बच्चों उम्मीद है कि इस बात का पहला भाग जो मैंने आपको सुनाया या फिर पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मैं इस कहानी का शुरुआत आज कर रहा हूँ और इतना तक आज मैं समाप्त करना चाहूँगा। आपके नेक्स्ट वीडियो में कहानी का दूसरा और दूसरा भाग मतलब कि जितना भाग रह जाता है जो कहानी को पूरा करने में वो मैं आपको अपलोड करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप लोग इस कहानी को घर में पढ़िएगा, साथ ही साथ दिए गए विलोम शब्द जो आपको लास्ट वीडियो पर मैंने दिया था और जो आपको परिभाषा दी गई थी सार्थक शब्द और निस्सार्थक शब्द की, उसे आप सीखिएगा क्योंकि मैं शायद आपके नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको किसी तरह का लिखित या मौखिक एक टेस्ट लेना चाहूँगा तो मैं ले सकता हूँ। तो आप लोग उसके ऊपर जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तब तक हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम ऑल ऑफ यू एंड सेव योरसेल्फ, सेव योर सोसाइटी एंड सेव योर कंट्री। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।